दोस्तों, आज मैं आप सबों को एक अनोखी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है सच्चा मित्र। एक जंगल में एक घर रहता है। उस घर में एक परिवार रहते हैं, एक माता पिता और दो उनके बच्चे। बहुत ही प्रेम से रहते हैं और बहुत ही सुकून का जिंदगी जीते हैं। उस परिवार के जो बड़े बेटे होते हैं, वो प्रतिदिन गांव से सटे एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता है और प्रतिदिन ढेर सारा मछली पकड़ के आता है। उसमें से कुछ मछलियाँ वो खा जाते हैं और कुछ मछलियाँ को बेचकर जो पैसा होता है उसे वे अपने जीवन यापन करते हैं। दोनों भाई बहन प्रतिदिन मछली पकड़ने के लिए जाया करते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन होते चला गया और प्रेम से उस परिवार रहने लगे। एक दिन की बात है, दोनों भाई बहन मछली पकड़ने के लिए तालाब में गए थे। मछली पकड़ते पकड़ते उसका भाई तालाब में डूबने लगा। इसे देखकर उसकी बहन चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में उसका एक दोस्त वहाँ था, वो दौड़ के आया उसे बचाने के लिए और वो अपने कोशिश में लग गया कि कैसे मैं अपना मित्र को बचा लूँ। और वो इधर उधर कहीं नहीं देखा, वो सीधे जाकर पानी में दौड़ पड़ा और आखिरकार वो अपना दोस्त को बचा ही लिया। जैसे ही वो अपना दोस्त को बचा कर बाहर निकाला, उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और उसके दोस्त को बहुत ही धन्यवाद दी। और फिर वो दोनों भाई बहन अपने माता पिता के पास चले गए। इसी तरह वे दूसरे दिन मछली पकड़ने अब अपने माता पिता के साथ आने लगे। अकेले वो मछली पकड़ने का काम को छोड़ दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय जो मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है।